पटना जिले की वन विभाग जहां एक ओर पेड़ लगाने और वनों की रक्षा करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पन्ना रेंज से महज 500 मीटर की दूरी पर संजय नर्सरी से बेशकीमती चंदन के लगे पेड़ रातों रात अज्ञात बदमाशों के द्वारा काटकर गायब कर दिए गए और वन विभाग हाथ पर हाथ धरे रह गया। पन्ना संजय नर्सरी में कार्यरत चौकीदार ने बताया कि रात में कुछ अज्ञात बदमाश हथियारबंद आए हुए थे, जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और रात को चंदन के पेड़ आरी से काटकर ले उड़े। डर के कारण मैंने रात भर दरवाजे नहीं खोले। सुबह जब मैंने दरवाजे खोले तो चंदन के पेड़ गायब थे, जिसकी सूचना मैंने अपने उच्च अधिकारियों को दी है। पन्ना के रेंजर से जब बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए चंदन के पेड़ों की कटाई पर एक FIR दर्ज करवाने की बात कही। पन्ना में चंदन की लकड़ी का पहला मामला नहीं है, यहाँ पर लकड़ी तस्करों के मामले पहले से भी कई बार देखने को मिले हैं। जो बैरियर वालो संजय में अनुसंधान, हाँ वो सागर वालो है जी, हाँ वो में चलो बोलो। तो जो एरिया अपने से कटो है ना, मगर जो पेड़ है उनकी कार्रवाई हमें करनी पड़े। भाई को जैसे ही जानो हो सही ने फोन लगाओ, तू कर फोन भाग दो। अच्छा लाइट काट दई, लाइट भी काट दी, लाइट जानी डरी दिलेरी देखो तुम। लकड़िया पूरी निकाल दो इतने सामने दीपू बैठने पर है। ये यहाँ हमारे संजय नर्सरी है, वो परिचित पन्ना के अंतर्गत ही उसका एरिया है। पहले हम लोगों की पोजीशन में रहती थी, इस समय वर्तमान में अनुसंधान व्रत सागर की पोजीशन में है वो नर्सरी, वहाँ उनके आदमी रहते हैं। और अनुसंधान व्रत का जो चौकीदार था गोरेलाल, वो कमरे में सोया हुआ था। जैसे उसको आहट लगी कि कोई आया है, तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो जो अपराधी लोग थे तो उन्होंने कहा हम लोग तुमको जान से मार देंगे यदि बाहर निकलोगे। तो वो भय के मारे वो अंदर ही रहा और वो आरी से चंदन के पेड़ काट ले गए हैं। अब हम उस पर कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज कराएंगे। कितने कीमती थे दोनों पेड़? वो अभी 102 सेंटीमीटर एक की मोटाई है और एक 38 की है। उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे, वो लगभग 10,000 करीबन की अनुमानित है। सर रेंज ऑफिस की 500 मीटर दूरी पर इतनी बड़ी घटना घट जाना, सर? हाँ वो तो एक प्रश्न चिन्ह लगाती है उस पर, लेकिन अब जब सामने वाला एक आदमी हमारा वहीं सोया है और उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है तो वो भय से, वैसे एक बीट गार्ड के कंट्रोल में 8 किलोमीटर का एरिया होता है, तो बीट गार्ड हर पेड़ पर तो लपटा नहीं रहता। शहर से लगा हुआ, हाँ है, वो बड़ी घटना घट गई सर। वो कोई 7-13 अपराधी हैं और आतन अपराधी हैं जिन्होंने ये कृत किया है। अब हम कार्रवाई करेंगे उसके विरुद्ध, FIR दर्ज कराएंगे।